यहां का स्थानीय नीति बनाए तो ये कोर्ट में चले जाते हैं, महिलाओं को सम्मान योजना दो तो कोर्ट चले जाते हैं, बच्चों को नौकरी के लिए एग्जाम दिलाओ उसके लिए भी कोर्ट चले जाते हैं। और ये काम अपने राज्य में करते हैं तो वो सब ठीक रहता है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। सिर्फ झारखंड ही देश में एक ऐसा राज है जहां आज हम हर चीज गरीबों को उसका रोटी कपड़ा मकान, आज महिला मैया सम्मान योजना पूरे राज्य में इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं बताएं कि मैया सम्मान योजना के लिए ब्लॉक ब्लॉक में भटकना पड़ा है क्या? मैया सम्मान योजना के लिए आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपका टोला में, आपका पंचायत भवन में कैंप लगा लगा करके आपके कागज बना करके आज खाते में आपके पैसे जा रहे हैं। ये बताइए सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक काम कर रही है? मैया सम्मान योजना कैसा लगा? आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। जोहार। मैं आपका बहुत समय अब नहीं लूंगा और आने में विलंब इसलिए हो गया कि लगभग 450 बच्चों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दूसरे जगहों पर दिया और कल भी 550 बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी। तो ये अनवरत चीजें चल रही है और आज यहां कल्याण विभाग ने सभी लोग अपने अपने विभाग में दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये कल्याण विभाग तो इतना बड़ा विभाग है जो शहर से लेके गांव तक लोगों का ख्याल रखता है। आप लोग को मालूम है कि गरीब गुरुवा लोगों को कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलता है और उसके लिए भी जो नीति निर्धारण होते हैं बड़ा ही अजीबोगरीब नीति निर्धारण हो जाते हैं, जहां योजना तो बनता है लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने लंबे समय तक इस बात को, इस चीज को महसूस किया और हमेशा से ये देखने को मिला है सरकार कुछ कहती है और होता कुछ और है। तो हम लोगों ने अब कार्य योजना का ही रूप ऐसा बनाया है जो सीधे आपको उसका लाभ मिले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली ये सरकार है। और आज आप देख लीजिए, आपको महसूस होगा आज भी गांव देहात में बहुत ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग जवान लोग हैं, महिलाएं हैं जो जीवन में कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं गया है। बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, वो तो कभी देखा ही नहीं और डीसी एसपी तो पता नहीं कभी जीवन में गया है कि नहीं और जीवन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब बीडीओ सीओ और ब्लॉक कार्यालय और जिला के पदाधिकारी से लेकर रांची के हेडक्वार्टर के पदाधिकारी गांव गांव जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
कभी भी बीडीओ सीओ गांव नहीं जाते थे, डीसीएसपी गांव नहीं जाते थे, विभाग के सचिव गांव नहीं जाते थे, लेकिन हमने यह सुनिश्चित कराया है कि हर विभाग का लोग, पदाधिकारी, चाहे वो वरिष्ठ पदाधिकारी हो या छोटा पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, पहले बहुत ये हुज्जतें होती थी बीडीओ का खोज में, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, हफ्ता, महीना गुजर जाता था, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन अब ये समय को बदलने की आवश्यकता थी। अब आपको बीडीओ सीओ को जानने की जरूरत नहीं है, अब बीडीओ सीओ और अफसरों को आपको जानने की जरूरत है। ये नीति से हम अपना काम कर रहे हैं। आज राज्य के बीडीओ सीओ पदाधिकारी तनख्वाह किस लिए लेता है, उसको नौकरी क्यों मिलता है, इस राज्य की जनता की सेवा के लिए मिलता है। और आज जिस तरीके से विगत राज अलग होने से पहले और राज अलग होने के बाद जो हमारे विपक्षों ने पदाधिकारी को जो इनकी चमड़ी मोटी कर दी कि कहीं हिलने को तैयार नहीं होता, लेकिन याद कीजिए, सरकार बनने के बाद कई चुनौतियां आई। 2 साल तो कोरोना जैसा महामारी में हम लोग उठा पटक करते रहे, 2 साल से भी अधिक जब जीवन सामान्य होने लगा तो आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में पंडाल लगा लगा करके ब्लॉक कार्यालय का पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी कंप्यूटर, लैपटॉप ले जा करके आपकी समस्या सुनकर उसका निदान कर रहा था। आज उस गांव, पंचायत, टोला में सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें गांव की असलियत, असली खबर आने लगी। समस्याएं अनगिनत है, गरीब राज है ना, गरीब गुरुवार लोगों के पास समस्या हमेशा मुंह बहा करके खड़ा रहता है। एक एक करके समाधान करना हम लोगों ने शुरू किया और इसमें पहला कदम सरकार आपके द्वार, आपकी योजना के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य के जो हमारे सबसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया। और ये देश का पहला राज्य बना जहां राज्य का हर बूढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देने का काम करते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग तो छोड़ो, हर विधवा महिला को, पहले 30-40 साल होता था, अगर कोटा में जगह है तभी पेंशन मिलता था, नहीं तो विधवा महिला को भी पेंशन नहीं मिलता था। शादी होने के 10 दिन के बाद बेचारी विधवा हो गई, पति कोई एक्सीडेंट में मर गया और पेंशन के लिए ताउम्र इंतजार करना पड़ा। कभी पेंशन 60 साल के बाद मिला या फिर मरने के बाद भी नहीं मिला। लेकिन हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जिस दिन से जो भी महिला विधवा हो जाएगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, चाहे वो 18 वर्ष की होगी, चाहे वो 40 या 50 साल की होगी। और कोई कोटा नहीं कि 50 महिला के अलावा 51 महिला को नहीं मिलेगा। आज ये देश का पहला ये
राज बना। बूढ़ा बुजुर्ग विधवा पेंशन तो हुआ ही, साथ साथ में कुछ महिलाएं ऐसी भी है हमारे राज में है, क्योंकि गांव को हम जितना करीब से देखा है, जितना नजदीक से महसूस किया है, तो हमें पता है गांव देहात में क्या होता है। तो कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिसका पति जिंदा रहते हुए उसको छोड़ के भाग गया। हम लोग वैसे महिलाओं को भी पेंशन देने का कानून बना रखे हैं, आज हजारों महिला इसका लाभ ले रही हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज महिला मैया सम्मान योजना पूरे राज्य में इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं बताएं कि मैया सम्मान योजना के लिए ब्लॉक ब्लॉक में भटकना पड़ा है क्या? मैया सम्मान योजना के लिए आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपका टोला में, आपका पंचायत भवन में कैंप लगा लगा करके आपके कागज बना करके आज खाते में आपके पैसे जा रहे हैं। कहीं दौड़ लगाना नहीं पड़ा। हां जरूर कुछ दलाल जो बरसों से एकदम राक्षस की तरह खड़ा है, हर जगह कुछ ना कुछ वो लोग अपना रास्ता ढूंढने लगता है। हम लोग का गांव देहात का लोग कम पढ़ा लिखा लोग है, उसमें भी 500 50 रुपया 100 रुपया ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। फॉर्म भरने के लिए लिखने के लिए भी 20 रुपया 25 रुपया छीटने का प्रयास करता है। लेकिन इन दलालों को पहचानिए। अब कानून ऐसा बना है कि दलाल के पास जाने का जरूरत नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग 50 साल का हो गया तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के वीडियो का सामने खड़े हो जाइए, उसका कर्तव्य है बिना सवाल जवाब पूछे आपका वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाए। मैया सम्मान योजना में 18 साल जो भी होगी सबको इसका सम्मान मिलेगा। हमारे कुछ विरोधी लोग आज महिलाओं को जो हम सम्मान दे रहे हैं इसको रोकने के लिए ये लोग कोर्ट में केस कर दिया है। बड़ा विचित्र हालत है। इस राज को हम कोई भी अधिकार देने का कोशिश करते हैं तुरंत कोर्ट चला जाता है। पता नहीं कोर्ट में इन लोग का कौन भगवान बैठा हुआ है। यहां का स्थानीय नीति बनाए तो ये कोर्ट में चले जाते हैं। महिलाओं को सम्मान योजना दो तो कोर्ट चले जाते हैं। बच्चों को नौकरी के लिए एग्जाम दिलाओ उसके लिए भी कोर्ट चले जाते हैं। और ये काम अपने राज्य में करते हैं तो वो सब ठीक रहता है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता है। सिर्फ झारखंड ही देश में एक ऐसा राज है जहां आज हम हर चीज गरीबों को उसका रोटी कपड़ा मकान बच्चों को पढ़ने का एक ऐसा रास्ता उनके लिए खोलने का प्रयास जहां हम आने वाले समय में और भी समाज के लोगों के साथ मजबूती के साथ कंपटीशन कर सके। हर चीज में ये कोर्ट कचहरी जाते हैं। आज यहां विदेशों में पढ़ने जाने वाले बच्चों को बुलाया गया है, उनको अनुमति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें ये बच्चे तो पढ़े लिखे हैं
देश का कौन ऐसा राज है जहां ये योजना चलता हो। अगर कहीं चल भी रहा होगा तो इस देश में ये पहला राज है जिसने ये कार्यक्रम को चालू किया है। अभी इस बार हमें भी उम्मीद नहीं था कि हमारे बच्चे इस राज्य के नौजवानों में इतनी उत्सुकता है ऊंची पढ़ाई के लिए, विदेशों का कॉलेज में पढ़ाई के लिए। पहले हम लोगों ने इसका कोटा कम रखा, फिर 25 रखा, सब में बड़े तादाद में बच्चे आने लगे, अनेक बच्चे तो पढ़ के निकल भी गए, कई लोगों को तो वहीं रोजगार मिल गया। और अभी मंत्री जी ने हमें आग्रह भी किया है, इस बार मुझे लगता है कुछ बहुत अधिक आवेदन आए हैं, सभी बच्चे उसमें शामिल नहीं हो पाए, इसकी दायरा बढ़ाने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से अगर हम 25 बच्चों को भेज सकते हैं तो 50 बच्चों को क्या, 100 बच्चों को क्यों नहीं भेज सकते। ये एक नीति निर्धारण की आवश्यकता है, मैं जरूर इस विषय पर गंभीरता से विचार करूंगा और इसके दायरे कहां कहां तक ले जाए जा सकते हैं इसके विस्तृत विचार उपरांत एक ठोस निर्णय पर मैं जरूर इस कार्य को पूरा करूंगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, आज नौजवान स्वरोजगार के लिए कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई बेलेरो ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई स्कूटी ले रहा है। आज देखो ये मैया कितनी बढ़िया बात, बिचारी विधवा महिला जीवन में अकेले किसके सहारे जिएगी। सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाकर के आपके सामने खड़ा रखा है, आपको जो काम करना है, चाहे विधवा महिला हो चाहे वो सामान्य महिला हो, आपको छड़ का छड़। बहुत महिलाओं को तो हमने 20 लाख 25 लाख रुपए का लोन लेते हुए देखा, हमने पूछा उनसे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कोई किसी ने कहा कि हम छड़ सीमेंट का दुकान करेंगे, किसी ने कहा कि हम राशन दुकान करेंगे, कुछ ने कहा नौजवानों ने वेल्डिंग का दुकान खोलेंगे, और आज 5 लाख रुपया बैंक में जाकर के लेके दिखा दीजिए। यहां के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर तो हम बता दें, आज सरकार के सारे पैसे राज्य के बैंकों में है, लेकिन यहां के आदिवासी मूलवासियों को लोन ये नहीं देते, ये बड़े बड़े व्यापारियों को देते हैं, किसानों को मजदूरों को नहीं। तो हमने ये प्रोग्राम खुद से निकाला और हमारे बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर वकील पढ़ाना, आज के दिन में जिस तरीके का कॉलेज का खर्चा है, गरीब माँ बाप के लिए कमर टूट जाती है, चाह करके भी नहीं पढ़ा पाता, जमीन जायदाद बेचने की नौबत आ जाती है फिर भी नहीं पूरा होता है तो महाजन से कर्जा लेना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है आपके लिए, उस कार्ड को आप लीजिए और अपना बच्चा आपका अगर कोई डॉक्टर पढ़ना चाहेगा इंजीनियर पढ़ना चाहेगा तो बिना किसी बंधक रखे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको अपना बच्चे के पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। नहीं तो बैंक वाला जो घुमाएगा घुमाते घुमाते आपका जूता चप्पल घिस जाएगा, 20-50 हजार रुपया भाड़ा में खर्चा हो जाएगा लेकिन 1 लाख रुपया लोन नहीं मिलेगा। गरीबों का स्थिति बहुत बद से बदतर है, हम लोगों का ये कार्यकाल तो मात्र 2 साल ही कहिए, 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही
सब अपना घर में ताला लगा लगा के रह गए, लेकिन बहुत काम करने की आवश्यकता है। और हमारा प्रयास है, और आज मैया सम्मान की बात जिनको आज खटक रहा है, आज हमने 1,000 रुपया खाता में देना पहुंचाना शुरू किया, तो ये इन लोगों का सांप सूंघा हुआ है। आज मुझे लगता है कि पहला नहीं दूसरा किस्त भी महिलाओं के खाते में जा चुका है। बताइए तो दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं खाता में, हाथ खड़ा कीजिए, पहुंच गया कि नहीं? चलिए पहुंच गया, बहुत बढ़िया। और याद कीजिए हमारे देश की प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विदेशों से काला धन लाएंगे, हर एक के खाता में 15 लाख डालेंगे। किसी का 15 लाख रुपया आया? ये हालत है। गरीबों का आवास के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे में नाक रगड़ते रगड़ते हम लोग का नाक घिस गया, लेकिन ये लोग गरीबों का पैसा नहीं दिया। तब जाकर के जब नहीं देने के लिए उन लोगों ने मना कर दिया, और आखिरकार जो हमारा पैसा था बगल के अपने राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां भेज दिया, तो हम लोगों ने भी ठान लिया नहीं दोगे तो मत दो, हम अपना आबू आवाज चालू करेंगे और गरीबों को आवाज देने का काम करेंगे। और अभी जब चुनाव आया है, जो मेरा हम लोग का बकाया पैसा था उस पैसा को अभी इन लोगों ने भेजने का काम किया है। कितना सौतेला व्यवहार। जब हमने अपना प्रोग्राम चला दिया और ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हम लोगों ने 20 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य रखा है, इनसे पूछिए कि ये कितने गरीबों को आवास देंगे, तो पता चलेगा कि 4 लाख 5 लाख, और वही पैसा हम मांगने जाते थे लेकिन नहीं दिया। और अभी हमको लगता है कुछ दिनों के बाद वो मात्र 1.5 लाख और आबू आवास प्रधानमंत्री आवास से बड़ा आवास बनेगा, और उससे अधिक दाम का आवास बनेगा जो 3 कमरे का आवास होगा। तो कई चीजें हैं, योजना अगर हम गिनाने चाहें, बड़ा विरोधाभास। यहां कहां कहां से नेता आ गए हैं पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो गया। कई राज्य के मुख्यमंत्री तो अपना राज्य छोड़ करके और उन सब राज्यों में बाढ़ आकर के पूरा राज्य डूब गया, लेकिन उस राज्य को छोड़ करके यहां पर नेतागिरी करने आया है, वोट घुमाने आया है। बड़ा हालत है। इनकी ऐसी हालत हुई है कि अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरे जगह चले हैं अपना पीठ थपथपाने के लिए। आज इनके पास गरीबों को, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवान को बाहर विदेश में पढ़ने भेजने के लिए पैसा नहीं है, इस देश की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का इनके पास पैसा नहीं है। मौसम के मार से किसान कर्ज से दबे तले हैं, इनका ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके बड़े बड़े व्यापारी जमात के लोग अरबों खरबों रुपया बैंक का लूट के चला गया, उसका कर्जा माफ करने के लिए अरबों अरबों रुपया उनके पास, और वो पैसा किसी का नहीं है, वो पैसा आपका है, हमारा है। और उस टैक्स के पैसे से वो अपना व्यापारियों का तिजोरी भरने में लगा हुआ है। आज देख लीजिए इतने चेहरे, इतने नेता आपको अभी नजर आएंगे, क्योंकि अभी 2-3 महीने के बाद झारखंड में चुनाव होना है। इतना नेता अभी से कूद रहा है, एकदम गिद्ध की तरह मंडरा रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आसमान अब खत्म हो गया, ये पूरे आसमान को घेर लेते हैं, इतना गिद्ध टाइप से मंडराना शुरू हुआ है अभी।
जब जनता उनको नकार रखी है, तब उस राज की सरकार को ही खरीद लो। इतना पैसा इनके पास, अभी जाके देखो महाराष्ट्र का क्या हाल है। महाराष्ट्र का सरकार को खरीद करके उन लोगों ने सरकार बनाया, जनता तो उनको नकार चुकी थी, लेकिन उस सरकार को खरीद के बना लिया, बैठ गया। आज पूरा महाराष्ट्र पानी से डूबा पड़ा है, असम डूबा पड़ा है। और हमारा झारखंड भी अब तो बारिश से कई क्षेत्रों में पानी घुस गया है। लेकिन कोई बात नहीं, बातें बहुत है, लेकिन समझिएगा, याद रखिएगा, हम बात को समाप्त करना चाहेंगे। आप भी दूर दराज जाएंगे, हमारे मंत्रीगण को भी अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित है। इन्हीं बातों के साथ ये बताइए, सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक काम कर रही है? मैया सम्मान योजना कैसा लगा? आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पुनः जोहार, नमस्ते।